दोस्तों ये लखनऊ का आइसबाग स्टेशन है और हम लोग यहाँ पर आए थे लखनऊ में, दवा के लिए आए थे, दवा ख़त्म हो गया था मम्मी का, तो अभी हम लोग स्टेशन पर खड़े हैं। ये देखिए पीछे जो है ये हमारी, देखिए मम्मी बैठी हुई है और अभी स्टेशन पर अभी कुछ देर बाद हमारी गाड़ी भी आ जाएगी। और ये देखिए हमारा भाई है, ये फ़ोन से बात कर रहा है और ये स्टेशन है यहाँ का। देखिए हम लोग कल सुबह में शाम को गाड़ी पकड़े थे बलिया से, आज सुबह में आए और दवा करा करके फिर स्टेशन पर आ गए हैं ट्रेन पकड़ने के लिए और अभी स्टेशन पर आ गए हैं। ये आइसबाग स्टेशन है, फिर यहाँ से गाड़ी पकड़ेंगे और फिर वापस हम लोग रसड़ा चले जाएंगे, सुबह हम उतरेंगे। और अभी दिखा दे, देखिए ये जो है ये मेरा भाई है, साथ में भी आया था। और ये देखिए ये हमारी मम्मी है, देखिए बैठी हुई है अभी, इन्हीं का दवा ख़त्म हो गया था, चेकअप कराना था, इनका ऑपरेशन हुआ था तो रूटीन चेकअप के लिए हम लोग आए थे क्योंकि वहाँ पर इनका इलाज नहीं हो पाया था बनारस में, वहाँ के डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। और ये देखिए शायद फ्लाइट जा रही है, देखिए वो फ्लाइट जा रही है, जहाज़ है, देखिए छोटी सी जो दिख रही है जहाज़ है, जा रही है, बगल में मौसी हवाई अड्डा है यहाँ। और अभी ये देखिए स्टेशन, ये देखिए स्टेशन है यहाँ का, देखिए पूरा भीड़, अभी धीरे धीरे भीड़ होने वाला है क्योंकि थोड़ी देर में ट्रेन भी यहाँ आ जाएगी। और ये देखिए, और ये देखिए अभी ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हम लोग खड़े हैं, अभी कुछ ही समय बाद हमारी गाड़ी आ जाएगी, फिर हम लोग ट्रेन में बैठ जाएंगे। अभी अलाउंस नहीं किया गया है लेकिन थोड़ी देर बाद अलाउंस भी कर दिया जाएगा गाड़ी का। और ये देखिए यहाँ का मतलब बिस्कुट नमकीन मिलता है, यहाँ का फूड स्टॉल है। कोई बड़ा स्टेशन नहीं है आइसबाग, मतलब लखनऊ का छोटा ही स्टेशन है लेकिन फिर भी यहाँ गाड़ी सब रुकती है। और इससे बड़ा स्टेशन जो है चारबाग है लेकिन चारबाग में उपसर्ग नहीं जाती है हम लोग गाड़ी यहाँ से, इसलिए हम लोग को यहाँ से पकड़ना पड़ा। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग स्टेशन पर आए हैं अभी, और ये देखिए लोग अभी बैठे हुए हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, धीरे धीरे भीड़ भी हो रहा है और बस कुछ ही समय बाद हम लोग गाड़ी आ जाएगी। देखिए वो मेरा भाई है, उनसे कहीं बात कर रहा है। और ये दिखाई थी आप लोग की, देखिए हमारी मम्मी है, इन्हीं का तबीयत ऑपरेशन हुआ था लखनऊ में, तो रूटीन चेकअप के लिए आए थे, डॉक्टर साहब बुलाए थे इनको, तो लेकर के हम लोग आए थे, आज सुबह में आए थे और आज रूटीन चेकअप इनका हुआ, फिर हम लोग शाम को वहाँ से निकले, वहाँ से उसके बाद ऑटो रिजर्व करके आइसबाग स्टेशन पर आ गए हैं और यहाँ बैठे हुए हैं। ये हमारी मम्मी है, देखिए, और देखिए देखिए ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं ट्रेन के इंतज़ार में। और ये देखिए हमारे भाई है, ये वो टिफिन देखे, टिफिन में भी हम लोग खाना भी पैक कराए थे बाहर से, ढाबा से लिए थे, बहुत महंगा खाना था यहाँ लेकिन फिर भी उनको दवा खिलाना है तो खाना तो लेना ही पड़ेगा। और अभी हम लोग बहुत रोटी भी बहुत महंगा था यहाँ, फिर भी हम लोग लिए। ये देखिए ये टिफिन है, टिफिन में खाना है, ये बैग है, वो भी बैग है। अब कुछ ही समय बाद गाड़ी आ जाएगी, फिर हम लोग बैठ जाएंगे। दोस्तों यहाँ खाना बहुत महंगा था यहाँ का, फिर भी हम लोग लेना पड़ा, मजबूरी में लेना पड़ा। देखिए अलाउंस भी हो चुका है, थोड़ी देर में गाड़ी हम लोग की आने वाली है और कुछ में भीड़ बढ़ चुका है और बस थोड़ी देर में गाड़ी आ जाएगी, इसी प्लेटफार्म पर आएगी 4 नंबर पर। और अभी हम लोग 4 नंबर पर खड़े हैं,
ये देखिए अंकल जी भी आ गए झोला लेकर के, मतलब धीरे धीरे लोग जो है आ रहे हैं अब, और धीरे धीरे जो है यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है। यहाँ क्योंकि हम लोग की तरफ जाने के लिए ही एक गाड़ी ही है, वो भी साप्ताहिक के रूप, पहले डेली जाती थी लेकिन अब साप्ताहिक हो चुकी है। देखिए हमारी गाड़ी आ गई और अभी हम लोग बस प्लेटफार्म पर खड़े हैं। देखिए गाड़ी पहुंच रही है, यही गाड़ी है, बस यहाँ खड़ी होने वाली है। देखिए हम लोग गाड़ी आ गए, देखिए बस बस यही है। देखिए दोस्तों ये जो है, हम लोग गाड़ी आ गए और हम जा रहे हैं पकड़ने के लिए। देखिए हमारी मम्मी भी है पीछे, देखिए मेरी मम्मी है पीछे पीछे, पीछे भाई है। दोस्तों अभी हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, ये देखिए, और मम्मी जो है सो चुकी है, हम लोग बैठे हैं अभी। और देखिए मेरा भाई है, अभी ये मोबाइल चार्ज कर रहा है, अभी अंधेरा है, अंधेरा इसलिए दिख नहीं रहा साफ से अभी। हाँ देखिए, देखिए मोबाइल चार्ज कर रहा है टीपू सुल्तान। हाँ देखिए ये मोबाइल चार्ज कर रहा है, अभी मोबाइल चार्ज हो गया, दिन में हम लोग चार्ज नहीं कर पाए तो अभी ट्रेन में बैठे हैं अभी, और थोड़ा देर बाद किसी में हम लोग खाना भी खाएंगे अभी। और देखिए हमारी मम्मी ऐसे हो गई है अभी, क्योंकि दिन भर अभी पूरा हॉस्पिटल में बैठी रह गई, इस वाले को मिला नहीं बैठने को, तो अभी हम लोग ट्रेन में बैठे हैं। और गाड़ी जो है मतलब ट्रेन खुल चुकी है स्टेशन से, अभी देखिए सीट जो है खाली, अभी लोग आगे भीड़ होगा लेकिन अभी खाली है, अभी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं अपना। अभी हम लोग खाना भी खाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। दोस्तों ये लखनऊ सिटी रेलवे स्टेशन है, अभी गाड़ी पहुंच चुकी है यहाँ, कुछ देर से स्टॉपेज है यहाँ, ये देखिए इसका वो ब्रिज है, ये अभी गाड़ी प्लेटफार्म पहुंच रही है। बार बार सेवा थोड़ा सा दिमाग खराब कर रही है। ये देखिए प्लेटफार्म है इसका, अभी देखिए कितना बज रहा है, अभी 7:50 हो रहा है अभी गाड़ी में, यानी ट्रेन एकदम राइट टाइम चल रही है अपने समय से। और दोस्तों आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अपने दोस्तों से भी बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक आप लोग सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। अभी गाड़ी यहाँ खड़ा होगी, कुछ ही 2-3 मिनट स्टॉपेज है इसका। अभी गाड़ी आगे जा रही है, अभी प्लेटफार्म पर पहुँच रही है, पहुँच चुकी है लेकिन अभी रुकी नहीं है कुछ, अभी बस कुछ ही समय बाद रुक जाएगी, क्योंकि अभी देखिए ये लोग खड़े हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, क्योंकि ये हमारे तरफ जाने के लिए यही एक ट्रेन है, वो भी ये साप्ताहिक ट्रेन है, डेली नहीं है दोस्तों, ये सप्ताह में 3 दिन जाती है बस और 3 दिन आती है। ये ठंडी की वजह से इसको बंद कर दिया गया था, इसके पहले डेली जा रही थी आ रही थी, लेकिन 1 मार्च से फिर चालू हो जाएगा, डेली आएगी जाएगी, मतलब डेली हो जाएगी 1 तारीख से ये। देखिए ये लखनऊ सिटी स्टेशन है, गाड़ी खड़ी हो चुकी है, ये देखिए लोग अपना बाहर निकले हुए हैं, घूम रहे हैं, क्योंकि तो गाड़ी कहीं स्टॉपेज 2-3 मिनट का है यहाँ पर, 2-3 मिनट के बाद देखिए ये लोग भाग कर जा रहे हैं पकड़ने के लिए। ये देखिए